यूपी के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन्स क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी में हल्की कहासुनी के बाद बीते दिनों पूर्व फायरिंग करके क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने वाले 8 युवकों को सिविल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार 8 आरोपी युवक 20 से 28 वर्ष की उम्र के हैं और पुलिस ने इन युवकों को महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 8 युवकों को उत्तर प्रदेश के कानून गिरोह में बंद कर असामाजिक क्रियाकलापों की धारा में गिरफ्तारी की गई है और कार्रवाई की जा रही है। अरेस्ट किए हैं, क्या पूरा मामला है सर? ये 12:13 की रात में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जो हिमगिरी कॉलोनी है वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंकित नाम का लड़का है जिसको कुछ छर्रे लगे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची थी। प्राथमिक तौर पर वहाँ ये जानकारी हुई कि यहाँ पर कुछ बाइक पर कुछ लड़के आए थे जिन्होंने यहाँ पर आके फायरिंग की थी जिसमें अंकित इंजर्ड हुआ है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। धारा 47-48, 323, 352, 307, 34 और 7C एक्ट के अंतर्गत इसमें 8 अभियुक्त जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है। CCTV कैमरा और वहां पर जो भी उपलब्ध अन्य साक्ष्य थे उनके आधार पर इन लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर अभय त्यागी, अर्पित मदान, आशु चौधरी, प्रशांत उर्फ प्रभास, नितिन सैनी, आदित्य, ऋतिक आनंद और सुमित, इन 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी थाना सिविल लाइन्स द्वारा की गई है। और इन गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3 तमंचे 12 बोर के और 1 देसी पिस्टल 32 बोर बरामद हुई है। इनके पास से जो कारतूस इस्तेमाल किए गए थे वो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जिन बाइक से आए थे उसमें से 4 बाइक, इसमें से 1 स्कूटी है और 3 मोटरसाइकिल हैं, ये बरामद हुई हैं। इन अभियुक्त लड़का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अंकित जिसका छोटा भाई राज है उसकी पूर्व में जो दूसरा पक्ष है उसमें एक अमन लड़का है उससे किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें इनमें बाद में समझौता हो गया था। लेकिन इसके बाद समझौते के बाद फिर अंकित ने कभी अमन को किसी स्थान पर पकड़ के उसके संग कुछ मारपीट की थी और उसकी कोई वीडियो बनाने की बात भी बताई गई थी। इसी बात को लेकर इनकी फिर से आपस में कहासुनी हो रही थी। जिस दिन घटना हुई है उस दिन बगला गांव चौकी क्षेत्र में जो नाग पंचायत में पड़ता है वहाँ एक शादी समारोह में ये जो अमन और इसके साथी थे वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी समय अंकित से इनकी फ़ोन पर कुछ बहस हुई और उसके बाद ये सभी लड़के अंकित के घर के पास पहुँच गए और इन्होंने वहाँ पर जाके फायरिंग की जिसमें वो इंजर्ड हुआ था। ये उन्हीं में से जो 8 अभियुक्त हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियुक्त हैं जिनकी अभी पहचान की गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इस पर पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की है। अभी इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में भी इनका जो अपराधिक इतिहास है उन सबको चिन्हित करते हुए इनकी जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्तियाँ अवैध संपत्तियाँ अगर इनके द्वारा बनाई गई हैं अपराध के द्वारा उनके अभी जब्तीकरण करवाया जाएगा और इस प्रकार की कोई घटना न हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। सर, ये जो बरामदगी हुई है सर, क्या पता लगा कि ये कहाँ से आए इनके पास? क्योंकि मेन वजह यही है इसको इस्तेमाल किया गया। अगर ये ना हो इन लोगों से इस संबंध में और गहराई से जानकारी की जा रही है और इस पूरी चेन को ब्रेक किया जाएगा जो अवैध असली इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए ये किस रूप से इनको प्राप्त हुए हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है। पीली कोठी पर भी सर इन लोगों ने किया था जी। पीली कोठी पर जो घटना हुई थी उसमें इनके साथ कुछ साथी थे, ये जो लोग हैं ये उस घटना में नहीं थे लेकिन इनके ग्रुप के कुछ और साथी थे जो उस घटना में शामिल थे। थैंक यू सर। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।